हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्बिगुअस ग्रामर के बारे में कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी एक गिवन ग्रामर है वो एम्बिगुअस है या नहीं। ओके, तो यहाँ एक ग्रामर गिवन है, ई डिराइव्स ई प्लस ई एंड ई डिराइव्स ई स्टार ई एंड ई डिराइव्स आई डी। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये आपके जो गिवन ग्रामर है ये एम्बिगुअस है या नहीं है। तो कैसे चेक करें, कोई एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, सपोज दैट डब्ल्यू व्हिच इज इक्वल्स टू आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी, ये स्ट्रिंग ले लिया हमने। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, हम डेरिवेशंस लिखेंगे। तो दो तरह के डेरिवेशन होते हैं, एक आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है, एक राइट मोस्ट डेरिवेशन होता है। तो पहले डेरिवेशन देखते हैं, फिर उसके बाद उससे कंक्लूड करते हैं कि कोई भी गिवन ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं है। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इसका लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में एल एम डी कहते हैं। तो ये आपकी स्ट्रिंग है, तो हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होगी, डेरिवेशन हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट वेरिएबल से। ओके, तो यहाँ वेरिएबल कौन कौन से हैं, अगर कोई भी आपकी गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी तो वेरिएबल क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ओके, तो वेरिएबल क्या है, कैपिटल ई, और टर्मिनल क्या है, प्लस स्टार एंड आई डी। ओके, तो वेरिएबल के सेट में क्या आएगा आपका, कैपिटल ई, और टर्मिनल के सेट में क्या क्या आ जाएगा आपका, प्लस स्टार एंड आई डी, ये क्या हो जाएंगे, टर्मिनल। ओके, तो ई डिराइव्स ई प्लस ई। ओके, तो पहले प्रोडक्शन हमने चूज की कि यानी ई की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, ई प्लस ई। ओके, और स्ट्रिंग क्या चाहिए हमको, आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी। ओके, तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, दो, यानी कैपिटल ई यहाँ भी है, कैपिटल ई यहाँ भी है, इन दोनों को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्शन से, आइदर दिस दिस और दिस। लेकिन अगर बात करें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की, तो राइट हैंड साइड में सबसे लेफ्ट पे होगा, यानी राइट हैंड साइड पे सबसे स्टार्टिंग, यानी लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल जो होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे किसी दूसरी चीज़ से, यानी दूसरे प्रोडक्शन से। तो ऐसे डेरिवेशन को क्या कहते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। यानी राइट हैंड साइड में यहाँ दो वेरिएबल हैं, तो कौन कौन से, यहाँ ए कैपिटल ई है, यहाँ कैपिटल ई है। अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यानी ये क्या आपका राइट हैंड साइड में लेफ्ट मोस्ट सिंबल के आपका कैपिटल ई, दैट मीन्स वेरिएबल। तो अगर इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सब्सटीट्यूट कर दिया किससे, आई डी प्लस कैपिटल ई, तो इस डेरिवेशन को क्या कहेंगे, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ओके, अब कौन सा राइट हैंड साइड में लेफ्ट मोस्ट, अब खाली एक ही आपके पास वेरिएबल है तो इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आई डी प्लस ई स्टार ई। ओके, यानी इस कैपिटल ई की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, ई स्टार ई। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ करें तो पूरे स्टेप में हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, यानी लेफ्ट लेफ्ट सिंबल जो होगा, यानी लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल जो होगा उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आई डी प्लस आई डी स्टार कैपिटल ई। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी। ओके, तो ये स्ट्रिंग थी और ये स्ट्रिंग हमको मिल गई इस तरीके से। तो ये इसका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो गया। अब इसका राइट मोस्ट डेरिवेशन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइट मोस्ट डेरिवेशन, तो स्टार्टिंग ई डिराइव्स ई प्लस ई। ओके, यानी इस कैपिटल ई की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, ई प्लस ई। अब आप देखेंगे, चूंकि राइट मोस्ट डेरिवेशन हम देख रहे हैं तो राइट मोस्ट सिंबल जो होगा उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ई प्लस, तो इसकी जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, ई स्टार ई। ओके, इसकी जगह पे क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, ई स्टार ई। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपका राइट मोस्ट सिंबल क्या है, तो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, ई प्लस ई स्टार आई डी। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ई प्लस आई डी स्टार आई डी। यानी ये आप राइट हैंड साइड से आपका जो राइट मोस्ट सिंबल क्या होगा, कैपिटल ई, इसकी जगह पे ई सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब क्या बचा आपका, सिर्फ एक ही कैपिटल ई बचा, इसकी जगह पे लिख दिया आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी। यानी जो हमारी स्ट्रिंग थी उसके लिए क्या हो गया, यानी डब्ल्यू एच इक्वल्स टू आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी के लिए ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है और ये राइट मोस्ट डेरिवेशन है। तो क्या इसका सिर्फ एक ही लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता, चेक करते हैं। ये आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फर्स्ट था, अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन सेकंड निकालते हैं। ओके, तो कैपिटल ई की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे ई स्टार ई। ओके, यानी इस कैपिटल ई की जगह सेकंड प्रोडक्शन में चूज की, यानी ये भी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करा, और क्या स्ट्रिंग इस डेरिवेशन से भी हमको मिल रही है, तो हमने दूसरी प्रोडक्शन चूज की ई स्टार ई। अब इस ई की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस ई की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए ई प्लस ई स्टार ई। यानी इस कैपिटल ई की जगह पे क्या कर दिया, ये दो, यानी इस कैपिटल ई की जगह फर्स्ट प्रोडक्शन हमने चूज कर दी, तो ई प्लस ई स्टार ई है। ओके,
नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में लेफ्ट मोस्ट सिंबल को हम सब्सिट्यूट करेंगे, ये क्या हो जाएगा आई डी प्लस ई स्टार ई. ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आई डी स्टार कैपिटल ई. नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी. तो ये इसका सेकंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, यानी ये भी एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है और ये भी, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन हमने डिफरेंट चूज़ की थी और इधर क्या किया डिफरेंट चूज़ किया, तो इससे भी वही सेम स्ट्रिंग आ रही, इससे भी वही सेम स्ट्रिंग आ रही. ओके, अब इसका लेफ्ट राइट मोस्ट डेरिवेशन देख लेते हैं. ये फर्स्ट था, इसको सेकंड देख लेते हैं. तो सेकंड कैपिटल ई डिराइव्स ई स्टार ई, ये प्रोडक्शन ले लिया. अब राइट हैंड साइड पे क्या करना है, हमें सब्सिट्यूट करना है. ओके, तो राइट हैंड साइड पे क्या सब्सिट्यूट कर देंगे, ई स्टार आई डी. ओके, ई स्टार आई डी. नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, अब राइट मोस्ट सिंबल क्या हुआ आपका कैपिटल ई, इसकी जगह सब्सिट्यूट कर दिया ई प्लस ई स्टार आई डी. ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा ई कैपिटल ई आई डी स्टार आई डी, ये सब्सिट्यूट कर देगा क्योंकि राइट मोस्ट सिंबल कैपिटल ई ये हो गया, ये हो जाएगा आई डी प्लस आई डी स्टार. यानी सेम स्ट्रिंग के लिए ये दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हुए, ये दो राइट मोस्ट डेरिवेशन है. इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हम पार्स ट्री. तो पार्स ट्री कैसे बनाते हैं, पार्स ट्री इसका इस तरीके डिराइव्स ई प्लस ई एंड ई डिराइव्स आई डी एंड ई डिराइव्स ई स्टार ई एंड ई डिराइव्स आई डी एंड ई डिराइव्स आई डी. ओके, इसको किस तरीके से देखते हैं, आई डी प्लस आई डी स्टार आई डी, यानी सेम स्ट्रिंग के लिए ये पार्स ट्री हो गई. इसकी एक और पार्स ट्री दूसरे से करते हैं, ई डिराइव्स ई स्टार ई. ओके, और इसको लिख दिया ई डिराइव्स ई प्लस ई, और ये क्या हो जाएगा आई डी, ये हो जाएगा आई डी और ये हो जाएगा आई डी. ओके, तो ये हो गया आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ये हो गया राइट मोस्ट डेरिवेशन, ये हो गया पार्स ट्री. तो अब कोई भी एक गिवन ग्रामर है उसको एम्बिगुअस कब कहेंगे, उसको एम्बिगुअस कब कहेंगे, अगर किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए अगर टू डिफरेंट राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मिल गया, या टू डिफरेंट राइट मोस्ट डेरिवेशन एंड टू डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब स्ट्रक्चर. यहाँ पहले क्या हो रहा है, कैपिटल ई ई प्लस ई में एक्सपेंड हो रहा है, देन ई ई स्टार ई में एक्सपेंड हो रहा है. ओके, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ई ई स्टार ई में एक्सपेंड हुआ और यहाँ क्या हो रहा है, ई ई प्लस ई. दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ राइट हैंड साइड वाला ई जो है एक्सपेंड हुआ नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाला नेक्स्ट स्टेप में एक्सपेंड हो रहा है. तो आई डी प्लस, यानी सेम स्ट्रिंग के लिए अगर टू डिफरेंट पास ट्री, टू डिफरेंट मतलब टू डिफरेंट स्ट्रक्चर पास ट्री. स्ट्रक्चर क्या है ये, इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला इधर राइट हैंड साइड वाला क्या हो रहा है आपका एक्सपेंड हुआ था, इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सपेंड हुआ था, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका डिफरेंट हो जाएगा. ओके, लेकिन स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए, स्ट्रिंग दोनों के लिए सेम है. तो अगर किसी भी ग्रामर के करस्पॉन्डिंग कोई एक स्ट्रिंग जो इससे जनरेट हो रही है, उसके लिए टू डिफरेंट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या टू डिफरेंट राइट मोस्ट डेरिवेशन या टू डिफरेंट पार्स ट्री अगर मिले, तो ऐसे ग्रामर को क्या कहेंगे, एम्बिगुअस ग्रामर. ओके, दैट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए टू डिफरेंट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, टू डिफरेंट राइट मोस्ट डेरिवेशन एंड टू डिफरेंट पार्स ट्री, तो ऐसी ग्रामर को क्या कहेंगे, एम्बिगुअस ग्रामर. ओके, तो और क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी एक गिवन ग्रामर एम्बिगुअस है नहीं. अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी एक ग्रामर है, अब हमें इसमें चेक करना है कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है कि नहीं है. तो कोई भी एक स्ट्रिंग ले लिया, सपोज दैट डब्ल्यू विच इज इक्वल टू टू टाइम्स ए, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग ले लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम सिंपली क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन देखते हैं. लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अगर देखा तो इसका क्या आएगा, एस डिराइव्स स्मॉल ए कैपिटल एस. नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ए ये आपका क्या है, ये आपका, अब हम इसमें देखेंगे वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल क्या है, राइट मोस्ट प्लेस. लेकिन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको हम सब्सिट्यूट करेंगे, तो यहाँ सिंपली एक ही वेरिएबल है तो इसी को यूज़ करेंगे. तो क्या मिल गया आपको, टू टाइम्स ए. ओके, ये हो गया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन वन. नेक्स्ट अगर देखते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन टू देखेंगे, तो एस डिराइव्स अगर ये प्रोडक्शन ले लिया एस ए, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी चेक करेंगे कि आपका राइट हैंड साइड में लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल क्या है, कैपिटल एस, इसकी जगह पे क्या करेंगे, ए सब्सिट्यूट करेंगे. तो क्या जाएगा, टू टाइम्स ए. यानी टू डिफरेंट अगर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन मिल गया या टू डिफरेंट राइट मोस्ट डेरिवेशन, आर एम डी देखते हैं. तो राइट मोस्ट डेरिवेशन भी यही होगा आपका, अगर सपोज दैट आपको मिला एस डिराइव्स ए एस, तो राइट मोस्ट
सिंबल क्या है आपका, कैपिटल एस। इसको अगर सब्सिट्यूट करेंगे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो चाहे राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट बोथ आर सेम, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ए। अगर राइट मोस्ट डेरिवेशन देखते हैं दूसरा, तो क्या आ जाएगा, एस डिराइव्स, अगर सपोज दैट ये वाली प्रोडक्शन ले लिया एस ए, इसकी जगह पे क्या सब्सिट्यूट कर देंगे ये। ओके, तो इसके लिए एक आपको ये एल एम डी मिल रहा है, टू डिफरेंट एल एम डी, और ये टू डिफरेंट आर एम डी। पार्स ट्री देख लेते हैं, पार्स ट्री क्या हो जाएगा, एस डिराइव्स एस फॉलोड बाई स्मॉल ए एंड ए। तो इस तरीके से क्या करें, ए ए आपकी ये स्ट्रिंग मिले, दूसरा क्या हो जाएगा, एस डिराइव्स स्मॉल ए कैपिटल एस, और इसकी जगह सब्सिट्यूट कर देंगे स्मॉल ए। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल जो था वो एक्सपेंड हो रहा है, इधर राइट मोस्ट वेरिएबल जो था वो एक्सपेंड हो रहा है। ओके, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो गिवन ग्रामर है वो क्या होगी आपकी, एम्बिग्यूस होगी। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है आपकी, एक प्रोडक्शन की दी हुई है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये चेक करना है कि ये गिवन ग्रामर आपकी एम्बिग्यूस है नहीं है। ओके, तो सपोज है डब्ल्यू ले लिया, डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू ए बी ए बी। ओके, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हमें ध्यान रखना है कि क्या हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी गिवन ग्रामर एम्बिग्यूस है या नहीं। इसका कोई एल्गोरिथम है, इसका कोई एल्गोरिथम नहीं है। ओके, एल्गोरिथम मीन्स इसका कोई मतलब ये एक तरीके से ऐसा कोई हमारे पास तरीका नहीं है जिससे हम आइडेंटिफाई करें, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। ओके, इसका कोई प्रॉपर एल्गोरिथम नहीं जिसको हम एग्जीक्यूट करें और उसका रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं है। इसमें क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल का मतलब एक स्ट्रिंग लेंगे, उससे चेक करेंगे, टू डिफरेंट पार्स ट्री मिल गया तो दैट मीन्स एम्बिग्यूस है, इसको चेक करते रहेंगे। दैट मीन्स हिट एंड ट्रायल मेथड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी गिवन ग्रामर एम्बिग्यूस है या नहीं है, इसका कोई भी एल्गोरिथम नहीं होता है। ओके, तो अब चेक करते हैं, सपोज दैट ये हमने स्ट्रिंग ली, कोई और स्ट्रिंग ले सकता है कोई और डिफरेंट, लेकिन ये एट द एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये आपकी गिवन ग्रामर एम्बिग्यूस है हिट एंड ट्रायल मेथड से। ओके, तो अगर ये आपकी एक गिवन ग्रामर है तो इसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, टू डिफरेंट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, टू डिफरेंट राइट मोस्ट डेरिवेशन एंड टू डिफरेंट पार्स ट्री एटलीस्ट, यानी टू और मोर देन एंड टू और मोर देन एल एम डी, टू और मोर देन आर एम डी एंड टू और मोर देन डिफरेंट पार्स ट्री। ओके, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्टली हम पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओके, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एस डिराइव्स ए एस बी एस। ओके, ये आपकी यानी फर्स्ट प्रोडक्शन हमने चूज़ की। अब इससे क्या करें, अगर सेकंड प्रोडक्शन चूज़ कर लिया तो क्या आ जाएगा, बी एंड कैपिटल एस ए कैपिटल एस। ओके, और फिर उसके बाद क्या करें, इसकी जगह पे नल सब्सिट्यूट कर दिया, इसकी जगह पे नल सब्सिट्यूट कर दिया, इसकी जगह पे नल सब्सिट्यूट कर दिया। ओके, तो कैसे हम कोई भी स्ट्रिंग रीड करते हैं, टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट। ओके, और जितने भी टर्मिनल्स आते जाएंगे उसको हम लिखते चले जाएंगे, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया क्या मिला ए, तो ए लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ आया तो क्या मिला, बी, बी लिख दिया। फिर इधर आए तो क्या मिला, नल, तो नल को नहीं लिखेंगे क्योंकि नल को कॉन्कैटिनेट करेंगे तो नल एलिमिनेट हो जाएगा। इधर आए तो ए मिला, ए लिख दिया। नेक्स्ट इधर आए, यहाँ से बी मिला तो बी लिख दिया। ओके, फिर ये फिनिश हो गए। तो क्या स्ट्रिंग मिली, ए बी, ए बी की एक एक पार्स ट्री ये मिली। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए डिफरेंट पार्स ट्री, एस डिराइव्स स्मॉल ए कैपिटल एस बी एंड कैपिटल एस। फर्स्ट वाले में क्या किया था, पहले एस को एक्सपेंड किया था, अब इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले एस को एक्सपेंड करके चेक करते हैं, अगर मिलता है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए कैपिटल एस बी एंड कैपिटल एस। ओके, यानी हमने इसमें क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड वाले ने जो पहले एस आ रहा था उसकी जगह पर सब्सिट्यूट किया था उसमें राइट वाले को, तो इससे ये क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। अगर दोनों की स्ट्रिंग सेम मिल रही है तो क्या हो जाएगा आपका, एम्बिग्यूस ग्रामर। इसकी जगह नल सब्सिट्यूट कर दिया, इसकी जगह नल सब्सिट्यूट कर दिया और इसकी जगह नल सब्सिट्यूट कर दिया। ओके, तो अब रीड करेंगे तो क्या आएगा आपका, स्मॉल ए, नेक्स्ट नल, नल को नहीं रीड कर रहे हैं, बी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ए, नेक्स्ट बी एंड नल, इधर आ जाएगा। तो इससे भी क्या स्ट्रिंग मिल रही, ए बी ए बी, इससे भी स्ट्रिंग मिल रही है आपकी ए बी ए बी। ओके, तो दैट मीन्स कि अगर कोई भी आपकी एक गिवन ग्रामर है, ठीक है, कोई भी एक ग्रामर दी हुई है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये आपकी गिवन ग्रामर एम्बिग्यूस है या नहीं है, तो इसका कोई भी एल्गोरिथम नहीं होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लिए, सबसे मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग, और लेंथ को बढ़ाते जाएंगे, तो अगर ये एम्बिग्यूस होगी तो एट द एंड हमको, लेकिन अगर स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर ग्रामर की बात करें तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड वर्क करता है। दैट मीन्स हमने ये स्ट्रिंग ले ली ए बी ए बी, इसके करस्पॉन्डिंग क्या किया, टू डिफरेंट पार्स ट्री जनरेट कर ली, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये गिवन ग्रामर एम्बिग्यूस है।
इसका कोई भी एल्गोरिथम नहीं होता, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हम, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग, अगर कभी कभी क्वेश्चंस में स्ट्रिंग मेंशन होते हैं या अगर स्ट्रिंग मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग ले लिए, सपोज मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या है नल, तो नल के करस्पॉन्डिंग चेक किया, नहीं हो स्ट्रिंग लेंथ की, स्ट्रिंग लेंथ बढ़ा दिए, फिर क्या आ जाएगा ए बी या बी ए, इस स्ट्रिंग पर चेक कर लिए क्योंकि बाकी नल सब्सिट्यूट कर देंगे, यानी इस नल को सब्सिट्यूट करेंगे तो नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या मिलेगी, ए बी या बी ए, ओके इसे चेक किया, नहीं हुआ तो दोनों को कंबाइन करके ए बी या ए बी बी ए, इस तरीके से करते चले जाएंगे और एट द एंड क्या मिलेगा हमको, ये हम ये टू डिफरेंट पार्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी गिवन ग्रामर आपकी एम्बिगुअस है या नहीं है, ओके।